जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं बसंत पंचमी की कथा पूजन विधि। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन से बसंत ऋतु का आरंभ होता है। लोग बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। आइए सुनते हैं सरस्वती पूजा की कथा। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण पर निकले हुए थे। उन्होंने जब सारा ब्रह्मांड देखा तो उन्हें सब मूक नजर आया, यानी हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इसे देखने के बाद उन्हें लगा कि संसार की रचना में कुछ कमी रह गई है। इसके बाद ब्रह्मा जी एक जगह पर ठहर गए और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर छिड़क दिया तो एक महान ज्योति पुंज में से एक देवी प्रकट हुई, जिनके हाथों में बीड़ा और चेहरे पर बहुत ज्यादा तेज था। यह देवी थी सरस्वती। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, ये सभी लोग बस चल रहे हैं, इनमें आपसी संवाद नहीं है, ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आपको अपनी बीड़ा की मदद की इन्हें ध्वनि प्रदान करें ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकें। इसके बाद माँ सरस्वती ने सभी को आवाज प्रदान की। माँ सरस्वती की पूजा देवी और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घर, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे ज्ञान मांगते हैं। इसके अलावा माँ को सिंदूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार की बाकी वस्तुएं भी अर्पित करते हैं। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें श्वेत रंग के वस्त्र भी अर्पित करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।